पानीपत के संभालका के हल्का विधायक धर्म सिंह छोकर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अपने निवास स्थान पर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की बौखलाहट के कारण ऐसा हुआ है। वह न तो किसी सतपाल को जानते हैं, ना ही उनके साथ कोई संबंध है, ना ही उनसे कोई लेना देना है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई डायरी नहीं मिली और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनके ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। उनकी लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखकर बीजेपी सरकार बौखला गई है। बातचीत के दौरान विधायक धर्म सिंह ने कहा कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है, जांच में ईडी के हाथ खाली रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से होडल तक वह नेशनल हाईवे पर कांग्रेस के अकेले विधायक है, जिसके चलते नाराजगी स्वरूप बीजेपी सरकार ने उनकी मजबूत पकड़ जनता में देखते हुए उनका नाम खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उनकी किसी देश में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर सबूत है तो ईडी पेश करे। इनकम टैक्स का छापा पड़ा था आपके यहाँ, जो जांच हुई थी इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ किया? आपने अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा, सब निराधार है। और जैसे आईटी की हमारे पास मैसेज आया, मैं भी, मेरा बेटा दोनों सतीश सिकंदर भी, विकास भी, हमने पूरी इन्वेस्टिगेट ज्वाइन किया, जो कैसे कुछ उनका से सवाल दिया गया। लेकिन जहाँ तक ये अफवाहों का बाजार, ये हो गया ये हो गया, तो कहना चाहूँगा कहते 120 से छापे, मुझे पहले रिश्ते दे सर, 120 से कहाँ का छापे पड़े हैं। जहाँ तक भाई प्रॉपर्टियाँ हैं, ये है, कारोबार है, मुझे प्रूफ दे दीजिए। प्रूफ दे नहीं पाए, उनके पास कुछ मिला ही नहीं ना, एक रुपया उनके पास मिला नहीं, को हमारी पैसे प्रॉपर्टी सी मिली नहीं, जो घर है हमारा, घर है सबके सामने, सबके हमारा जो कुछ है ओपन है, रिकॉर्ड है और ओपन है, बिजनेस भी ओपन है, अपना जो काम है, प्रॉपर्टी है, घर है, बार है, सब अपने ओपन है, करा नहीं पाए। अगर आप पहले अफवाहों का बाजार चला, विदेश में प्रॉपर्टियाँ फलाना पड़े, ले आए ना मुझे, एक आधा रजिस्ट्री मुझे भी तो मेरा काम चल जाएगा, दुबई मुझे घर दिलवा दे सरकार ही, मुझे ये सरकार इसने मेरा इतना प्यार लगा भाई सरकार ने मेरे से, तो मुझे दुबई में कह रहे ना, अखबार में माध्यम पढ़ा भी होगा, एक आधा प्रॉपर्टी दुबई मेरे को, मेरा काम चल जाएगा। जिसमें लेन देन की बात कही गई, एक डायरी का जिक्र, क्या कुछ सच्चाई है उसमें? कोई डायरी मेरे पास नहीं है, ना मेरे कार्यालय से, ना मेरे पास डायरी ऐसी कोई मिली, सब अफवाहें हैं, फलाना फर्जी बिल, ढिकड़ा बिल, ये बिल, कुछ नहीं है, सब एक नंबर का काम है, रिकॉर्ड का काम है। मेरे बेटे व्यापार को, मैं बिजनेस करते हैं और एक नंबर का बिजनेस करते हैं, कोई लेना देना सब निराधार है। अब 120 जगह आप कह रहे हैं डायरी मिली, आप कह रहे हैं डायरी मिली, आप कह रहे हैं 120 दो ना, 120 रिपोर्ट दो ना, तो भाई रिपोर्ट में सर दो ना मुझे, सब अति सत्य जो उन्होंने कहा, बिल्कुल सारे आरोप निराधार है। और मैं सब पर सवाल करना चाहूँगा, मैं तत्पर हमेशा इन धमकियों से ना रुकने वाला ना झुकने वाला हूँ। हाँ, जांच तक की जहाँ तक बात है, डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट हो, जांच करने के लिए हमेशा तैयार हूँगा, पहले भी तैयार है। मैं चंडीगढ़ था, मुझे मैसेज आया, विधानसभा सेशन छोड़कर मैंने इन्वेस्टिंग ज्वाइन किया, अगर सबके पास सामने, अगर कोई मामला होता, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज होती, ऐसा कोई पैसा होता, आया एक रुपया बरामद हुआ मेरे घर से, कुछ बरामद हुआ हो, वो लेना देना कुछ हो, प्रॉपर्टी बिना प्रॉपर्टी ऐसी कोई हो, हम सारा सिस्टम एक नंबर का, मेरे बच्चे हम व्यापार एक नंबर करते हैं। जहाँ मेरी राजनीति, मैं तो व्यापार करते हैं बच्चे, मैं तो राजनीति करता, मेरा व्यापार ये खड़ा है सामने, मैं तो भाई राजनीति में पैसा किसी का लेता नहीं, मेरा परिवार खड़ा है, पैसा मैं लेता नहीं किसी का, काम कराता हूँ दबा के लोगों का। और मेरा जो चुनाव लड़ता है 5 साल में एक बार, ये जनता लड़ती चाहे एक ना, मैं पैसा लेता और ना मैं पैसा देता, ये जनता खड़ी है, ना मैंने आज तक उसको पैसा लिया और ना पैसा को दिया। और आज 3 टाइम आज ये जनता का प्यार है, ये बौखला गए हैं पूरे चंडीगढ़ से लेकर अम्बाला, पंचकूला, अम्बाला, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, घरौंडा, पानीपत, गन्नौर, राई और आगे दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल तक एकमात्र कांग्रेस का विधायक है धर्म सिंह छोकर। इन्होंने पूरे नेशनल हाईवे पर इसको देखते हुए और मेरी पॉपुलरिटी को देखते हुए, मेरे जनता के प्यार को देखते हुए, उभरते हुए मेरे पैगाम को देखते हुए ये सब रचना रची गई है, धर्म सिंह छोकर से रुकने वाला, झुकने वाला। पीपी कपूर ने कुछ आरोप लगाए यहाँ पे, पीपी कपूर ने पहले भी लगाए थे, कहते कोठी भाई ये फलाना ढिकड़ा है, इसको कोठी नजर आ रही है, ये हमारे परिवार की सब भाइयों कोठी है, कलोनी रोगलाइज है, उसको पुराना दर्द सता रहा है, डायरी है, लाया ना मेरे को डायरी है, कहाँ डायरी है बता, दिखाए मुझे, ऐसे झूठी अफवाहों का। तो कहते भाई फलाना प्रॉपर्टी है, फलाना डायरी है, फलाना ये ढिकड़ा, लाया ना कुछ डिपार्टमेंट दो, अगर डिपार्टमेंट कुछ मिलता प्रेस नोट देती, डिपार्टमेंट क्यों नहीं दिया प्रेस नोट? ये तो संभाल के आवाज उठा दिया तुम्हें, पीछे लाग गया 6 साल का हो जाएगी लाइन पर, लाइन पर उन्होंने यूं देख रहा है, बड़ा राज है, सब लोग सही कर सकते हैं। लाइन पर अंफर चौहान की अभी छापेमारी की गई है, जिसमें बताया जाए कि आपके साले साहब ने उनके नाम पे शराब के ठेके छुड़वाए गए। मेरी बात तो सतपाल, मेरा साला ही नहीं है,
दूसरी बार रिश्तेदारी में दूर के सुनिए अब भाई मैं कलान और ब्याह दिया तो सारा कलान का दीजा थोड़ा कहना इसका मेरा कोई ठीक है आना जाना लोगों का लगा ठीक है कोई धंधा करे कारोबार करे उसका जवाब सतपाल देगा मेरा कोई लिंक नहीं उस व्यापार से कारोबार शराब में तो शराब पीता मैं तो आज तक एक डट्टा भी सूंघ गया दूसरा कारोबार सतपाल के साथ कुछ थे वो तो सतपाल बताएगा मेरा कोई लिंक है ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी जैसे कि फ्री पार्किंग ईडीसी आईडीसी फ्री क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।